लो भाई, जो 3 साल तक झाड़ियों में छुप कर रह रही थी ताई, दो बेटे और पति होने के बावजूद इबूस ने जो है आश्रम वाले ले जाने लग रहे हैं। तस्वीरें दिखा दूंगा, टीम से बातचीत करवा देते हैं। भाग्यश्री ट्रस्ट जो है, जो लावारिस अनाथ आश्रम महिलाओं के लिए काम करती है, लगभग 40-45 जो महिलाएं फिलहाल भी इनके पास है, उनसे पूछेंगे अब क्या कुछ प्रोसीजर आगे का रहेगा। बाला वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, राम राम जी। जी राम राम। क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, एक बार वो और बता दो जिनके बारे में। जी, सबसे पहले तो अभी महिला को, जो भी ग्रामवासियों ने जो लिखित रूप में हमें दिया है कि महिला को आश्रम में शरण दी जाए, तो हम महिला को अभी आश्रम में लेके जा रहे हैं। इसके बाद ये मानसिक रूप से भी असंतुलित है, तो सबसे पहले तो इसका उपचार हॉस्पिटल में, इसको दवाइयाँ वगैरह, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ताकि ये मानसिक रूप से जो असंतुलित है, तो थोड़ा सा इसका माइंड है संतुलित हो। परिवार वालों से बातचीत तो है, कोई उन्हें आपत्ति तो नहीं किसी प्रकार? परिवार वालों से बात, घर भेजा था तो घर पे कोई भी नहीं है इनके, बाकी गाँव के सरपंच से हमारी बात हो चुकी है, तो उन्होंने लिखित रूप में भी दे दिया है और कहा है कि इस महिला को आश्रम में शरण दी जाए, तो अभी आश्रम की टीम है, वो महिला को लेके आश्रम में जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। हम भी करना चाहेंगे ऐसी ट्रस्ट को, भाग्यश्री महिला आश्रम, अनाथ आश्रम जो है। लगभग कितनी महिलाएं हैं इस टाइम आपके पास? अभी 45 ऐसी महिलाएं हैं जिनका घर परिवार कुछ भी नहीं है। बाकी जैसे ही हमें पता चलता है कि उनका कहीं कोई घर है परिवार है, तो आश्रम की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम की हेल्प लेके और उनको परिवार तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करती है। अभी 32 महिलाओं को उनके परिवार से मिलवा दिया। 32 महिलाओं को मिला भी दिया परिवार? मिला दिया परिवार। बिल्कुल भाई, देखो ऐसी ऐसी संस्था जो है वो काम कर रहे हैं। हालांकि परिवार ने साथ छोड़ दिया इस महिला का, गांव के गांव में बेरा है, करण लग रही है। कोई अनजान भी इंसान जब अपने आगे अनुरंधा होने स्थिति में, तो अपना दिल दुखा है, लेकिन वो तो परिवार है जी। दो बेटे हैं, वो नहीं कुछ कर पाए, दो कुत्ते कवहरात ना रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, माँ है, दर दर की ठोकरें खा रही है, और सुना है जैसे गाँव वालों ने बताया है, घर तो नहीं मिले वो, लेकिन गाँव वालों ने जैसा बताया है कि शराबी है, पति है वो भी शराबी है, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है, और शायद इसी वजह से इसकी हालात बयां करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही इसकी हालात है बयां कर रही है। जैसे 3 साल से ये झाड़ियों में ऐसे ही अपना जीवन गुजार रही है। बिल्कुल भाई, हालात बता सका है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। और हम धन्यवाद करेंगे भाग्यश्री महिला अनाथ आश्रम का, जो इतना अच्छा है कार्य कर रहे हैं। और आप लोग भी इनसे जुड़े भाई, जिस प्रकार की इन मदद हो इनको जरूर मदद करो, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की लगातार मदद करें। गांव वालों से बातचीत करेंगे भाई, हो खुश अब जो महिला को लेकर जाए। बढ़िया बात होगी भाई, बढ़िया काम हो गया, जीवन सुधर जाए इसका, जीने का सभी ना भाई। सही बात है, जीने का क्यों, अच्छी लाइफ सबने चाहिए, स्वस्थ रहना लाइफ, अरे खाना पीना, अरे क्या को जिंदगी थोड़ी है यार, नरक से बदतर थी जिंदगी, नरक से बदतर आ रहा है, कीड़ी लाल लाल कीड़ी चालन लाग रही है। खाना देख लो, को अगर वो ऐसे भी को खा ले जे तो ये तो बहुत नरक था, इसका तो बहुत सुधार हो जाएगा इसमें तो। और इनका सहयोग है जो भी अपने यहाँ नाथरा आश्रम वाले हैं, इनका धन्यवाद करा भाई साहब। गांव वालों ने लिख के दे दिया, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं दे दिया, तो इनती भी क्या अच्छा काम है इनका, इनके हेल्प भी करांगे जो भी आश्रम वाले हैं। बिल्कुल, क्यों जो ये कर रहे हैं तो आपने भी इनका सहयोग करना जरूरी है। बिल्कुल, जब ऐसी संस्था चलाएंगी, बिल्कुल ऐसी संस्थाओं की मदद करना जरूरी है। परिवार वालों से बातचीत कुछ हुई है, कुछ कहा तो नहीं भाई हम रखना चाहूँ ऐसा कुछ? ना ना ना, परिवार वाले सारे कुछ नहीं, सारे अली बली हैं, सही है। आदमा संस्था याद ले जाएगी इसने, और बढ़िया रहोगी आदमा, या सुधर जाएगी बेचारी। गांव वाला का भी जी दुखदा होगा, कुकरिया महिला डराने लग रही है, एक रहे बेचारे गांव वाले रोटी पानी बांधा जाता है, दे दे है बेचारी, कुछ खा ले ध्यान, भूखी पड़ी रह जिंदगी नरक हो रही है। बिल्कुल भाई, नरक जिंदगी हो रही थी, अरे सवर जगह जो आश्रम ट्रस्ट है लेकर जान लग रहा है ना। लो भाई, जो भाग्यश्री महिला आश्रम ट्रस्ट है वो काम कर रही है इस पर, जो महिला देखी थी आपने कहीं, लगभग 3 साल से बता रहे हैं झाड़ियों में रह रही थी, अब इसको ले जाया जाएगा। ठीक है, तो भाई फिलहाल जो महिला है जो झाड़ियों में उचाना खुर्द में आपने देखी थी तस्वीरें, प्रयास कर रहा सब ने मिलकर, अब जो भाग्यश्री महिला अनाथ आश्रम है हिसार से, वो इस ताई ने जो है लेकर जाने लग रहा है, क्योंकि परिवार ने लेकर जा रहा था। हालांकि ताई थोड़ा कह रही है कि भाई मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन ताई की तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हम धन्यवाद करेंगे ऐसे आश्रम का कि जो इन्हें लेकर जाने लग रहे हैं। दो भाई, और कुछ कैश की जो मदद है वो भी करने लग रहे हैं परिवार वाले। ठीक है बेबे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी, आपका भी, सभी मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जी।
तो भाई अच्छी तस्वीरें जो हैं उचाना खुर्द था हमने देख ली है। बागेश्वरी महिला अनाथ आश्रम के द्वारा जो टीम है ये अब स्थाई को लेके जा रही है, दर्शक दिखा देगा अब स्थाई को लेके जा रही है। ठीक है भाई धन्यवाद टीम का, भाई साहब धन्यवाद आपका भी भाई साहब। देख लो भाई ताई बैठ गए आराम से और प्यार से ही रखा, नेक्स्ट टाइम ही तो देखने आएंगे। ठीक कर देंगे, चिंता ना करा।